पुष्पेंद्र सिंह हैं, उनके इन्हीं के साले हैं वो। पुष्पेंद्र जी, एक बात बताएं कि ये जो अजीत सिंह जी वहाँ कैसे पहुँचे, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कड़ी सुरक्षा रीति, हर कोई नहीं जा सकता था सुखदेव सिंह गोखले मेडी से मिलने। अजीत सिंह जो था वो सुखदेव जी के मित्र थे, कोई कागज अजीत सिंह जी के पास डॉक्यूमेंट थे सुखदेव सिंह जी के, वो डॉक्यूमेंट देने के लिए अजीत सिंह जी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद 5 मिनट रुके, डॉक्यूमेंट दिए और निकलने वाले थे, तभी वहाँ अज्ञात लोगों ने दिन दाड़े उनकी हत्या कर दी सुखदेव सिंह गोगा मेडी की। और वहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद अगर गोगा मेडी जी की हत्या, कड़ी सुरक्षा आप कह रहे हैं, किस तरीके की कड़ी सुरक्षा? कड़ी सुरक्षा ऐसे थी कि जो गेट लगा हुआ था वो ओनली फिंगरप्रिंट से ही खुलता था, उनकी सिक्योरिटी गार्ड ही उसको गेट को खोलते थे, अंदर आना जाना बाहर उनकी बिना इजाज़त के बगैर अंदर आदमी जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी करीबी हो, कितना भी उनका खास हो, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। आप कह रहे हैं कि उस दिन वो उस रूम में नहीं थे जिसमें सुरक्षा थी, वो गार्ड रूम में बैठे थे बाहर। वो सुखदेव सिंह जी उस दिन जहाँ सिक्योरिटी उनकी बैठती है, जहाँ बॉडीगार्ड बैठते हैं उनके, वहीं बैठे थे, उनके खुद के ऑफिस के अंदर वो नहीं बैठे थे, क्योंकि ऑफिस में जाने के लिए गार्ड परमिशन होती है, सुखदेव सिंह जी परमिशन देने के बाद ही आदमी अंदर एंटर करता है। उसी दिन वो उनके गार्ड रूम में ही बैठे थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिनको, जो नवीन शेखावत जिनका सारा लेकर गए, तो वो शूटर अच्छी तरह से जानते थे कि फिंगर प्रिंट चाहिए, उसके लिए स्कैनर से गुजरना पड़ता है, गार्ड की परमिशन चाहिए, तब मिल पाएंगे, इसीलिए उनको लेकर गए नवीन शेखावत को। जी, वो मोरा नवीन शेखावत को उन्होंने मोरा बनाया है, भाई किसी भी करीबी आदमी को ले जाएं जिन पे सुखदेव सिंह को ट्रस्ट हो, विश्वास हो। और कुदरत जो ये काम हुआ है, ऐसी कोई प्री प्लानिंग थी नहीं, सुखदेव जी वैसे अंदर ही रहते हैं ज़्यादा, और पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ वो हमेशा से रहे हैं। अब वो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो क्यों बाहर बैठ गए अचानक, ये बताना भी मुमकिन। उस दिन गार्ड थी उनके, उनके पास गार्ड थी, दो लोग छुट्टी पे थे, दो उनके गार्ड थे और सुरक्षाकर्मी गेट के बाहर खड़े थे। अंदर फायरिंग हुई तो गार्डों ने भी फायरिंग की, एक उसमें नवीन शेखावत की गोली लग के वहीं हत्या हुई। अच्छा, अब जो आपके जो रिश्तेदार हैं, वो अजीत सिंह जी की स्थिति क्या है अभी? अभी अजीत सिंह वेंटिलेटर पे है और सीरियस स्थिति है, और अभी वेंटिलेटर पे सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी बहुत गंभीरजनक स्थिति भी उनकी बताई जा रही है। मेरी एक ही सरकार से आग्रह है कि अजीत सिंह को मुआवजा दिया जाए, उनकी परिवार से सरकार के जनप्रतिनिधि मिले, एक बार उनकी घर की स्थिति को भी देखें, और डॉक्टरों की टीम को जल्दी से जल्दी गठित किया जाए SMS में,